नादान है वो जो हीरा मंडी की तवायुफों को सिर्फ दिल बहलाने का जरिया समझते हैं। हम किसी मुश्किल राग की तान छेड़ सकते हैं तो बारूद भरी बंदूक भी तान सकते हैं, दिल बहला सकते हैं और दहला भी। आजादी वो आखिरी गहना है जो हमें हर कीमत पर चाहिए। जैसा कि आप हमने देखा कि
इस सीरीज के अंदर आपको अलग अलग किस्म के इमोशंस देखने को मिलते हैं, कहीं पर फरेब है, कहीं इश्क है. आपका जो इश्क है वो कौन से रंग में रंगा हुआ है इन सारे सिनेरियोस में? सबसे पहले तो मैं नेटफ्लिक्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आप सबको यहाँ बुलाया, उन्होंने हम सबको यहाँ बुलाया, और ख़ास तौर से मोनिका, प्रेरणा, संजय सर, अंसारी प्रोडक्शंस और प्रेरणा मैम, उन सब ने ये शो लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, हम सब ने मेहनत की है. पर मैं वेरी ग्रेटफुल. और जहाँ तक रंगों का सवाल है, परंपरा और मोहब्बत के बीच में फंसा हुआ जो आज़ादी का रंग होता है जी, वो रंग और वही ताजदार और ताजदार आलम की मोहब्बत को डिफाइन करती है. और यस, इट्स वेरी ग्रेटफुल. और अभी रंग तो बहुत बाकी है, हमारे रंग यहाँ पे खड़े हैं. प्रदीप सर, शेखर सर, आई एम सो ऑनर्ड टू स्टैंड ऑन स्टेज विद यू. सो ग्लैड टू बी ऑन स्टेज विद यू. प्रदीप, इन फैक्ट लेट मी कम टू यू विद दिस क्वेश्चन आल्सो. आपके कहानी में और आपके ट्रैक के अंदर किस किस्म का रंग देखने को मिलेगा? जैसे आपका बगावत है, सियासत है, आजादी है, मोहब्बत है. उस वक्त नवाबों तो रॉयल्टी माने जाते थे और उनके लिए शक्ति, हैसियत, दौलत सबसे ज्यादा मायने रखती थी. बट वो वली मोहम्मद, ईडन जलाल, पावर, द एंबिशन, द स्टेटस, द वेल्थ, करप्ट हिज हार्ट. ही केप्ट हिज हार्ट इंटैक्ट एंड फॉर हिम love was the focus of his life, in spite of having a great personal posture. So he was a true romantic, and I got a thing or two to learn from him. Oh yes, of course, Pradeep. It comes absolutely. I'm looking forward to this thing, and I'm sure all these features will be seen in all the colors. Adhyan, शेखर सर, ये मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ क्या? इस सीरीज में भी will we see you as father son, as a father son duo? और He is the guy Lacho is in love with. पर क्या वो लच्चो से प्यार करता है कि नहीं? आप बहुत खुश होंगे. तो वो चाल चल रहा है, ये आप ही के किरदार के लिए था ट्रेलर. बता, शेखर सर, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं. जुल्फिकार एक बहुत ही अहम शख्सियत है, बहुत ही अहम किरदार है, और मेरे ख्याल से बहुत ही पावरफुल नवाब है हीरा मंडी में. और उसकी खासियत ये है कि वो सबसे बहुत मोहब्बत करता है, मलिका जान से भी मोहब्बत करता है, तमाम लोगों से करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करता है. सो ही इज सोलिसिटस एट द सेम टाइम सुपरसीलियस. ही इज केयरिंग, इज लविंग, बट ही इज आल्सो सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड. मैंने एल्बमेनी को सो ही स्टॉप्स एट नथिंग. ही इज मर्सनरी, ही इज आर्टिस्ट. And all of that and much more जो आप इस सीरीज में देखेंगे. फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब मैंने अभी ये ट्रेलर देखा तो एक जो पहला रिएक्शन था जी वो ये उसके बाद कि मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से शुरू करूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ. तो ऐसा लग रहा है कि मैं वशी के आलम में हूँ और बस इतना ही कह सकता हूँ कि होश से कह दो कभी होश ना आए. और ये कि कभी कभी ऐसे वाकयात होते हैं और ऐसे मकाम पर इंसान पहुँचता है जहाँ वो होश कहते हुए भी होश रहता है. और ये वो आलम है मुगले आलम की एक लाइन है, जब रात है इसी मतवाली पे सुबह का आलम क्या होगा. तो ट्रेलर जब इस किस्म का है
we'll place your chairs right behind, and we'll get into the photo ops soon. Then I also request you all to please take your seats so that we can start having a little bit of conversation. Right over here, Aditi Rai Anna, Shekhar sir, right over there, Anisha ma'am, right. Akub, there you go. Shukriya, Shukriya, everybody, thank you so much for coming. Hi, are you and wow. This is a very heavy duty stage right now. To wrap all of them together, guys, a round of applause. Finally, we all met. But जिस तरह से खवातीन दिखा रहे थे मुझे ऐसा शक हो रहा था कि मर्दों की इसमें गुंजाइश है कि नहीं पर है. Of course, yes, but such a pleasure seeing you all. Let me begin by asking you guys a couple of questions. Manisha ma'am, of course, starting with you. Big fan, always, will always remain. And come on, you and Sanjay sir have given us one of the most memorable films from the Indian film industry. Hoshi, and now in this particular format, from silver screen to streaming, you and Bansari sir coming together and creating magic always. Thank you. I waited 28 years for Sanjay to call it and it's been a pleasure. It was a pleasure back then. It is a pleasure and it's an honor to be working with that genius. And what can I say? I just, lot of hard work, lot of pyar, mohabbat, bahut sari cheeze isme judi hui hai. और हमने बहुत प्यार से ये बनाया है. आशा करते हैं कि आप सब लोग को ये पसंद आए. और यू ऑल हैव सीन एंड वी हैव सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड या सो वी प्राउडली प्रेजेंट हियर ऑन द वॉल ऑफ यू. Thank you Sanjay sir for getting Manisha ma'am and in a role like never before, so I'm glad you're looking forward to this thing. Sonakshi, conscious as ever, let me ask you a question first of all. Fareedan, ye jo kirdar hum aapko dekhne wale hain, your fans are definitely for a real surprise, but when Heeramandi came to you, what was the first thing that struck? What was the first thing that you felt that this is something that I don't want to let go of? Just the fact that it came from Sanjay sir. Of course. And I love his work. He's been very fond of me since I worked with him in Ravi Ratho. He was a producer on the film. And since then he's been extremely fond of me, and you know, we've been trying to do something together. But I'm so happy and glad that it happened with Heeramandi, because the role that he got me, nothing can top it. I feel truly blessed that a director has seen me like nobody has ever seen me before and presented me to the world like nobody has seen me before. So thank you Sanjay sir, we really miss you here today. And I think from the entire cast and crew of Heeramandi, we want to say a big thank you to Sanjay Veera Bhansali. And that track, oh my god, one of those moves, absolutely amazing. But Monica, I'd like to come to you. I mean, we love what we've seen in the trailer. But people jaan ke baare mein kuch aur bataye na, when she came to you, when as a character, she was introduced to you, kaisi similarities mili dono ke beech mein, nahi mili, un dono ke, aapke aur Bibo ke beech ki talmel ke baare mein bataiye, how you became Bibo? Firstly, good evening everyone, and Adab, of course. I'm actually very overwhelmed just now, and I'm getting goosebumps. And it's quite a surreal feeling. It's the first time we watched the trailer backstage. And I'm in a bit of a daze. You'll have to excuse me. Words are evading me. But I will start by saying that I love Sanjay sir. I love his love for cinema. I love his love for us. I love his love for every second of what he does and what he believes in, and he's so true to it that it's so inspiring. I really feel so blessed, I think we all do, to be a part of his vision, some of us more than once, and I hope a lot of us more than once here on. And I really miss him today, because this is truly his baby. Thank you Netflix for making this happen, thank you Prerna, thank you everybody in this cast. We were really a sisterhood. Now let me get to Bibo Jan.
Bibbo Jaan is to me of course very special also because Sanjay sir decided that this is what I should play. I'm very happy he gave Bibbo Jaan to me because she is special to me. I love what he made me do. I didn't think I could. And that's what is Sanjay sir's magic. He pushes you to your extreme. He makes you believe in what you don't even know. And I think he really makes you live the dream that you dreamt at one point and you didn't know how you would get to it, but he makes it happen for you. Bibbo Jaan is this really beautiful sort of amalgamation of vulnerability and extreme love that translates into tremendous courage and fearlessness for a larger purpose. And I'm so inspired, so deeply inspired by her. And I hope I can live as honestly and as fearlessly as she does. So thank you, Sanjay sir, for Bibbo Jaan. And thank you for giving Bibbo Jaan to me and making her a part of my life. Thank you very much, Anjali. Thank you very much. Star Star के पास चलेंगे हम अब. तब ये जो आपका Rob है, ये इसके बारे में कुछ बताएं. How did this character, you know, develop for you? ये character मुझे actually बहुत ज़्यादा auditions करने के बाद मिली है. और मैं actually पिछले 12 साल से मैंने तपस्या की कि मैं, of course, Sanjay sir कौन नहीं चाहता Sanjay sir के साथ काम करने को. तो ये सपना पूरा हो गया. I feel कि Tajdar and me have a lot of resemblance. I resonate with the character. I feel that वो मोहब्बत चाहते हैं. वो एक मोहब्बत एक ही बार होती है. तो I feel passion drives this character. He sees everything through the lenses of acceptance, kindness, freedom, and not to, what's it called, you know, like press people down, not to step over people. So that is Tarzan's character. Main actually, to be very honest, jab maine ye series sign ki thi, to mujhe bahut ek 3 din ka role mila tha. Are you? Haan. Aur maine wo contract bhi sign kiya tha, par Sanjay sir is Sanjay sir. और संजय सर ने कुछ तो देखा होगा मुझ में और उन्होंने मुझे इस काफी मतलब उन्होंने बढ़ा दिया अपना कैरेक्टर. आप कह रहे हैं कि यू एक्चुअली साइंड अप टू प्ले अनदर कैरेक्टर थ्री डे रोल एंड विद इन दैट ऑन सेट ही सॉ एंड नॉट ऑन सेट ही रात उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया था और wow. फिर अचानक से पहले उन्होंने उसे कोई सा भी डायलॉग इतना बेहतरीन लगता है आपको. आप नॉर्मली कुछ कुछ बोल देना मतलब चाय पिला दो उसमें भी इसमें मजा आ जाता है. आपके कहने का अंदाज ही इतना निराला है. बट व्हाट अ फैबुलस ट्रेलर, व्हाट फैबुलस लुक्स एंड एवरीथिंग. मैं इनफैक्ट हम बात कर रहे थे अबाउट कितना लंबा समय लगा इस पूरी शूट के दौरान. कुछ शूट से कोई मेमोरीज कुछ जो आप शेयर करना चाहें, कोई सीन या कोई ऐसी बात जो आपके साथ रहेगी. Hello everyone, hello Delhi. जो ये पूरा शो मेरे जहन से कभी नहीं दिखेगा मुझे लगता है बिकॉज इट्स सच अ स्पेशल एक्सपीरियंस. जो भी कोई बॉम्बे आता है राजधानी एक्सप्रेस लेके उसका एक सपना होता है कि संजय लीला भंसाली की ट्रेन में वो नजर आए. और उसके बाद अगर किरदार खास हो और बहुत अच्छे एक्टर्स कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिले तो इट्स अमेजिंग. आई रियली थिंक दैट आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर विच वॉज सो इम्पैक्टफुल आई वॉज साइलेंट फॉर लिटिल वाइल. आई फील लाइक दिस शो ट्रूली हैज पोटेंशियल टू ट्रैवल आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया बिकॉज इन अ सेंस इफ यू गूगल बॉलीवुड एक्सट्रावागैंजा द फर्स्ट नेम दैट पॉप्स अप इज द क्रिएटर ऑफ द शो. सो I think this will be a great offering from India or the Indian subcontinent to the world. And I think that this is not just Monica's here, but few shows of Netflix that have traveled have been like Narcos and Squid Game. They've come from Korea and Mexico. So I think this is
going to be one of those that travels outside India as an offering from India, and I think we should all feel really grateful to be a part of it and led by women. Fantastic story that stayed in Mr. Mohini Bey's head for a while. He and Sanjay sir are old friends. I really hope that you all see this and enjoy it. Everything is very different. सफर काम ऐसा है जैसा आपने पहले कभी नहीं किया आई कैन से फॉर ऑल दीज एक्टर्स ऑन द स्टेज एंड देयर प्लेंटी मोर स्पेशल परफॉर्मर्स जस्ट ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम थैंक यू रिचा थैंक यू वेरी मच द बेस्ट पार्ट अबाउट रिचा इज दिल्ली के आते से शी ओन्स दिस प्लेस हां वो आते से सुबह से सबसे पूछती है क्या खाना है बताओ कहां से क्या लाना है यही है दिल्ली रिप्रेजेंट यही करती है सर बट ऑलवेज हैप्पी ऑलवेज हैप्पी टू हियर दैट शर्मिन भाई आपका आपके किरदार के बारे में बात हो गया एंड फटी भाई सो व्हाट वाज द हाउ इज द रिएक्शन बीन हाउ हाउ इज गोइंग फॉर यू फर्स्ट इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग गैप फॉर मी इट्स बीन ऑलमोस्ट अबाउट 14 इयर्स टू से द लीस्ट सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दिस स्टेलर स्टार कास्ट एंड platform like Netflix, so thank you Preta and Monica, and of course the man himself, Sanjay Leela Bhansali. I couldn't have hoped for a better opportunity as an actor to return to this dream. And thank you for all you wonderful people who gave me a cheer when I came onto stage. It was very heartwarming. For me, something I have never done. And it was the perfect role for me. I felt after the age I'm in, to come back to the screen when you come with a certain amount of life experience, a certain amount of wisdom, and you can really contribute to the layers that Sanjay so clearly writes into all his characters. His characters are very intricate, very complex. There's nobody like him who writes characters. He goes across the spectrum. He has this intuitive understanding of it, so it's daunting to work with it, but at the same time when you see it all together, it just all makes sense. I'm extremely grateful for this chance, and so happy to be here, and I'm getting emotional now, so anyway, thank you, all of you, lots of love. Thank you so much. We're so happy to see you on screen and live too. And you understand the medium so well, you understand cinema so well. When you're telling a story, Joik, it was thought he has to wapas zinda karna, us emotion ko wapas zinda karna, and how Sanjay sir is a pro at doing it. How do you look at that? You've already worked in this particular series, aap shoot kar chuke, aap kaafi kuch dekh chuke hain. How was the process like and how did Sanjay sir approach that? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इतनी हैरत अंगेज चीज़ देखने के बाद मुझे हैरत है कि जो सामने बैठे हैं लोग उनमें इतनी खामोशी क्यों है जाने किन दिनों के लिए या किस बात के लिए इन्होंने अपने तालियां बजा के रखी हुई हैं उनसे गुजारिश करूँगा एक बार मोहला तालियां सबके लिए एक बार बजा दें ताकि हम लोगों को एहसास हो कि हम सब खुश हैं जो है वो डेफिनेटली संजय लीला भंसाली को जाता है वो इज अ माएस्ट्रो ऑलवेज हैव डिस्क्राइब्ड प्रेजेंट ऑन चेयर और उनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है जिन्होंने हम सबको इतना एक खूबसूरत तोहफा दिया और एक बात और कहना चाहता हूँ इन अ लाइटर वे दैट मोनिका माय डार्लिंग थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट But this is, I'm not bragging you, I'm actually very grateful to you for giving us this beautiful gift. Ye bahut hi nayab aur bahut hi khoobsurat tohfa hai. I'm a bit overwhelmed. Main thoda sa agar ke se ek choti si baat ye kehna chahta hu ki barson pehle jab maine itni hi aisi khoobsurat film apni pehli film Utsav se shuruaat ki to uska premiere bhi uske yahi se shuruaat ki. इसी जगह जहाँ बैठे सो द प्रीमियर विल एंड सो इट इज नॉट इन मैक ब्यूटीफुल मेमोरीज ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं समझ रहे हैं ये हमारे बिल्कुल जहन के बाहर की चीज़ है और वो इसलिए क्योंकि वो ऐसी दुनिया बुनते हैं संजय
जो हम और आप सोच भी नहीं सकते, और हमने जब सोचा था कि इनकी अदायगी है और बगैर कुछ कहे लफ्जों के जरिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कह लेते हैं, ये वो हैं जो आंखों से पूरी दास्तान बयान कर देते हैं, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। सच मानिए तो हम सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी का सर, थैंक यू सो मच। एंड नाउ टू चीजें बदल देते हैं, तो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली एक्साइटिंग फॉर एन एक्टर, बिकॉज वो क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या नुआंस चाहते हैं आपको कभी पता नहीं चलेगा। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि हर एक्टर का सपना होता है कि संजय सर के साथ काम करें, तो मैं एक किरदार नहीं दो किरदार निभा रहा हूँ शो में, पिवोटल किरदार जुल्फिकार का यंगर वर्जन भी मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें, तो आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ शो। सो आई विल बी इंडेबटेड टू संजय सर। ऑनेस्टली छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जब बहुत लोगों ने मेरे लिए अपने करियर के दरवाजे नहीं खोले तो सर ने मेरे दरवाजा खोला, सो आई ऑलवेज बी इंडेबटेड टू हिम। एंड मोनिका मैम थैंक यू फॉर ऑनेस्टली मेकिंग अ पार्ट ऑफ माय, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज व्हाट अ वंडरफुल कास्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माय। Super. Thank you so much. And well, now, of course, for the moment that you all had been waiting for, we'll quickly set up. Do something like what this guy did over here, then get on the table and do that jungle dance, which you're so good at doing anyway. तुम बहुत माहिर हो उसमें, तो तुम टेबल पे चढ़ के वो जंगली डांस करना अपना, देन इधर आके ये चेयर के साथ ये करना, वो लोग तुम्हारे हाथ पैर दबाएंगे, फिर तुम उनके जाना हुक स्टेप पकड़ लेना। So this is how that entire song was designed, and I was like, okay, so cut करके लोगे ना, एंड ही सेट अप द कैमरा मैन, एंड ही सेड नहीं मैं ये वन शॉट में कर रहा हूँ। आई हैव बीन लाइक नो दिस कैन नॉट बी हैपनिंग, आई हैव नेवर हैड अ वन टेक सॉन्ग इन माय एंटायर करियर, एंड द फर्स्ट टाइम दैट वाज सपोज्ड टू बी हैपनिंग वाज गोइंग टू बी फॉर अ संजय लीला भंसाली सॉन्ग। दिस कैन नॉट बी हैपनिंग टू मी, आई नीडेड टू रिहर्स अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर टू बी एबल टू पुल दिस ऑफ, बट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वाज रियली एनकरेजिंग, ही बिलीव्ड इन मी दैट आई कुड डू इट. And I think that's what really pushed me to go ahead and give it my absolute best shot. And it was okay in the first take itself. And it's just been a surreal experience, and the love that I'm getting for that song, I'm truly, truly grateful to Sanjay sir for making that happen and making it happen the way that he made it happen. So yeah, thank you. So please. But I think without these women and their compassion, I don't think my character and I would be able to execute the way I did. Because at the end of the day, if your co-actor is not giving people a scene, the entire scene falls flat on its face. Because how much ever you do as an actor, if the person opposite you is not giving it, is not on the same plane as you, I think the entire series would have been at a losing end. So I think all of us at the end of the day were executing Sanjay sir's vision, and I think that's what kept all of us going at the end of the day. Yeah, glued. Basically what she said, this is real pleasure working with everyone. And what's nice also, after pack up so many times, if someone had a dumb day, other people could reach out and say that it happens. And I also went through several takes, and I had a tough time getting this part right. So in that sense, everyone was there for each other. Thank you.